हाँ भाई, बाल कटवा लिए कटवा लिए कटवा लिए जो लोग इंस्टाग्राम, अच्छा मैंने वहां पर भी स्टोरी नहीं डाली थी बिकॉज मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूँ आजकल अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही है, इस वजह से मैं वीडियो भी करीबन करीबन 10 दिन से नहीं बना पाया हूँ। एंड दिस वॉज माई लॉन्गेस्ट ब्रेक बिटवीन टू वीडियोज। तो आज हम लोग आ गए एक टॉपिक पे बात करने के लिए, और आपको टाइटल और थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा कि मेरी ड्रीम मोटरसाइकिल कौन सी है भाई। और ये लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं मेरे से कि तुम सुपर बाइक कब लोगे और कौन सी लोगे और कैसी बाइक्स तुम्हें पसंद है, क्या है नहीं है। और एक चीज मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप एक ट्रू मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट या ट्रू बाइक फैन बॉय हो तभी आप इस वीडियो को देखो, वरना इस वीडियो में कुछ भी आपके लाइक नहीं है। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे गाइस, दिस इज समर्थ एंड आई एम बैक अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड हाँ भाई, लुक काफी ज्यादा चेंज हो गया मेरे को भी ऐसा देख के लग रहा है यहाँ पर। एंड अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं गोप्रो से, तो आपको क्वालिटी जो है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्रिस्प आ रही होगी। उसमें मैंने HDMI से स्क्रीन एक ऐड कर सकते हो आप फोन वगैरह में, वो थोड़ा जुगाड़ सो रहा था वो कर लिया है मैंने ताकि मैं अपने आप को देख भी पाऊं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मेरी पहली बात तो कि ड्रीम मोटरसाइकिल कौन सी है। तो मेरी जो ड्रीम मोटरसाइकिल है, पहले मैं एक चीज बता दूं, मेरी ड्रीम मोटरसाइकिल नहीं, वो गैरेज गोल्स जिसे बोलते हैं, मेरी ड्रीम मोटरसाइकिल्स हैं। कोई एक ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जो बहुत एकदम ऐसा हो कि दिल के करीब। हाँ, एक मोटरसाइकिल को छोड़ के बाकी तो भाई, मतलब ऐसा है कि सच बताऊं तो कि ऐसा है कि गोल्स है ये मोटरसाइकिल्स मुझे चाहिए। और मेरी ड्रीम मोटरसाइकिल ऐसी है कि मतलब मोटरसाइकिल सॉरी ऐसी है कि हर फील्ड, मतलब एक हर फील्ड कह रहा हूं मैं, हर टाइप की मोटरसाइकिल में एक मेरी ड्रीम मोटरसाइकिल है। मेड बी कम्यूटर, मेड बी अ सुपर स्पोर्ट, मेड बी अ क्रूजर, मेड बी अ पावर क्रूजर, एनीथिंग, मेड बी अ हाइब्रिड मोटरसाइकिल, बट मेरी हर एक जॉनर में, मतलब हर एक टाइप में, हर एक बॉडी मेक में, हर एक सब डिविजन में एक ड्रीम मोटरसाइकिल है। और ये चीज बचपन से। और एक चीज मैं यहाँ पे एक और चीज, एक मिथ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ड्रीम मोटरसाइकिल, ड्रीम होम, एनीथिंग विच इज अ ड्रीम, वॉट यू वॉन्ट टू विच यू वॉन्ट टू अचीव, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, क्या बोल रहा हूँ मैं, विच यू वॉन्ट टू अचीव इज लाइक आप बचपन से उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आप बचपन से आपके दिमाग में वो गढ़ गया है कि भाई मुझे वही चीज चाहिए, तो वो होती है ड्रीम। आजकल के लोगों का तो मैं देख रहा हूँ जो भी कुछ भी नया चीज आता है जो ट्रेंड में है वो ड्रीम बन जाता है उनका, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ड्रीम एक्चुअल में वो होता है जो आप बचपन से देखते आ रहे हो कि नहीं भाई, आप थर्ड क्लास में थे, फोर्थ क्लास में थे, आपको उसके बारे में एकदम कुछ भी नहीं पता, आपने एक बार देखा एक नजर में, यू गेट दैट थिंग इन योर हेड कि नहीं भाई ये बड़े होके लेनी है। तो उस टाइप की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हायाबुसा है, बट हायाबुसा मैंने बहुत चला ली अपने घर में, काफी चला ली है मैंने, अपने फादर की चलाई हुई है, नॉन दैट तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो मेरे को चाहिए ही चाहिए, बट स्टिल गैरेज में एक एडिशन रहे तो कोई बुरी बात नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू हायाबुसा एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द 2010 2013 वाला हायाबुसा, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2006-07 हायाबुसा, ओल्ड बॉडी स्टाइल, सेकेंड जेन बॉडी स्टाइल जो आती थी, प्री फेस लिफ्ट वाला वर्जन जो आता था, जो जॉन अब्राहम जो चला रहे हैं, वो वाली हायाबुसा की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो वाली हायाबुसा चाहिए। और एक वही, और देखो ड्रीम का मतलब होता है वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर मॉडल। अब एक अगर मैं अपनी ड्रीम मोटरसाइकिल की बात करूँ कि नहीं भाई जो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो है BMW S1000RR 2012 या 2014 का मॉडल। जी हाँ, मेरे को नए वाले से नहीं है, और ये नहीं है कि मैं अगर अकम्प्लिश करने जाऊं, ड्रीम को फुलफिल करने जाऊं, तो उस टाइम जो आई होगी बाइक, आज से 6 साल 7 साल बाद अगर मैं बाइक लेने जाऊंगा तो उस टाइम जो बाइक आई होगी मैं वो लूंगा, नहीं मैं ढूंढ ढांड के 2012 या 2014 मॉडल ले दूंगा लूंगा, क्योंकि वो एक्चुअल में मेरा ड्रीम था, क्योंकि मैं बचपन में उसके सपने देखता था, ना कि ये नए क्रैप के। और सच बता रहा हूँ, नई मोटरसाइकिल्स मेरे लिए क्रैप ही है। तो ये चीज तो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बहुत रेयर चांसेस है कि मैं एक नई सुपर बाइक लूं, बहुत ज्यादा रेयर चांसेस है। मैं एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या बताऊं, मैं अच्छे तरीके से ओन्ड एक प्री ओन्ड सुपर बाइक लूंगा, अच्छे तरीके से केयर की हुई एक प्री ओन्ड सुपर बाइक लूंगा अपने नोन से ही, ऑफकोर्स क्योंकि मेरा सर्कल इस चीज में काफी ऊपर वाले का दया से सच बोले तो हम लोग का थोड़ा सर्कल इसमें बड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाइक मिल जाएगी मुझे। और ड्रीम बाइक अगर मैं बात करूं तो मेरी बहुत डिफरेंट लिस्ट है, बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल लिस्ट है, बहुत बहुत अनकन्वेंशनल लिस्ट है। जैसे मुझे ZX12R, अब ये बहुत पुराने लोग जो है उन्हें को समझ में आएगा, ZX12R कावासाकी की आती थी, बाद में डिसकंटिन्यू हो गई, फिर ZX14R आई, तो मुझे ZX12R में भी काफी इंटरेस्ट है अगर कहीं से मुझे मिल जाए तो वो। फिर मेरे को अप्रीलिया RSV4 फैक्ट्री एडिशन जो है वो चाहिए मुझे, और वो भी एक स्पेसिफिक मॉडल ही मुझे 2013-2014 वाला मॉडल चाहिए। फिर CB1000, इसके तो तलाश में मैं अभी भी हूँ, क्योंकि अगर मुझे अगर अच्छा मिले, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर अपनी डेली ड्राइवर वाली, जब भी डेली राइडर वाली जब भी वो लूंगा, क्या कहते हैं, सुपर बाइक लूंगा, तो मेरी शायद से अगर मुझे मिल गई तो यही होगी CB1000R, क्योंकि ये बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है।
और एक और चीज़ है जो जापानीज होती हैं स्पेशली होंडास, दे आर वेरी लो ऑन मेंटेनेंस, बहुत स्मूथ मोटरसाइकिल्स होती हैं। और अभी जो है अगर आपको मैं एक और सजेशन देना चाहूँ कि अगर आपको एक चीपेस्ट इनलाइन 4 लीटर क्लास मोटरसाइकिल चाहिए विद डेडली लुक्स और नेवर एजिंग स्टाइल, तो आप जा सकते हो CB 1000 के लिए, क्योंकि ये जो है ये एक नेगेटिव मोटरसाइकिल है, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म में आती है, अगर एक अच्छा एग्जॉस्ट लगा हो, स्वीट साउंडिंग एग्जॉस्ट तो बहुत अच्छा लगता है, लाउड एग्जॉस्ट के भी इस पे ऑप्शन है, टोशी वगैरह का एग्जॉस्ट अगर आप लगवाते हो तो, जिसको बहुत लोग स्लैंग में टुच्ची टुच्ची बोलते हैं, तो उस टोश बोलते हैं, वैसे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट हाँ इसका अगर आप एग्जॉस्ट लगाना चाहते हो तो आप एग्जॉस्ट लगा सकते हो, और काफी ज्यादा चीप, मैं 5 लाख के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो मतलब 3,80,000 3,40,000 तक के आसपास भी आपको मिल जाएगी, अगर 3,40,000 तो नहीं 3,60,70,80, मतलब जिस तरीके से कंडीशन होगी गाड़ी के और जितने ओनर्स हो रह चुके होंगे गाड़ी के, फर्स्ट ओनर गाड़ी चाहिए तो 5,10,5,15 के आसपास मिल जाएगी, और वो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। अब यहाँ पे बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एनी डे CB 1000 कैन फक Z900, मॉडर्न डे Z900 और वट एवर मॉडर्न डे नेकेड मोटरसाइकिल, इवन MT09 बोलने की आदत है ना बहुत, तो उससे भी अच्छे खासा कंपटीशन कर लिया, थोड़ा बहुत ट्यून कर दो पावर कमांडर ये वो सो, थोड़ा अपने हिसाब से ट्यून कर लेते, तो क्यों मेरा ऐसा टेस्ट है, क्योंकि देखो रॉ मोटरसाइकिल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स राइडर एड ये सब चीजें ऑफकोर्स सेफ्टी के लिए होती है, बट यहाँ पर जो एक्सपीरियंस राइडर्स है वो मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि ऑल द फील गोज आफ्टर एडिंग ऑल दीज इक्विपमेंट्स ऑन द मोटरसाइकिल्स। और इसका एक चलता फिरता एग्जांपल देना चाहूंगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बाइक चला ले रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि भाई क्या चल रहा है, ये क्यों चला ले रहे हैं, अगर वही बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता, आपका 6 एक्सेस IMU नहीं होता, ये सारी चीजों को देखने के लिए, अगर बहुत सारी चीजें नहीं होती, इंजन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एड्स हैं वो नहीं होते, इन बच्चों की मतलब मैं क्या बोलूं, हालत खराब हो जाती थ्रॉटल कंट्रोल करने का, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मतलब बाइक ऐसी होनी चाहिए, मैंने RC 390 भी क्यों चूज की और वही वाली क्यों चूज की और अभी तक मैंने अपग्रेड क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैं अपग्रेड नहीं कर सकता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम गॉड्स ग्रेस ऐसा भी कुछ नहीं है कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो कि हो या फिर ऐसा हो कि मतलब नहीं कर सकते या कुछ, बट इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट द फील ऑफ राइडिंग द मोटरसाइकिल, बिकॉज थ्रॉटल इनपुट्स आर सो क्रिस्पी सो चॉपी एंड सो मच मोर इंगेज्ड, द राइडर फील्स सो मच मोर एंगेज विद द मोटरसाइकिल जब आप एक रॉ मोटरसाइकिल चलाते हो जिसमें कुछ नहीं है, जैसे नई वाली ड्यूक आप चला लो और एक बार आप पुरानी वाली ड्यूक चला के देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क मतलब समझ में आएगा, जमीन आसमान का, मैंने सच में बहुत सारी नई ड्यूक भी चलाई है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मेरे पास भी BS4 वाली थी भाई और उसको मैंने कितने जल्दी बेच दिया था, मतलब there's no feel in new motorcycles. Of course, to be very honest, it's for the benefit of our planet, क्योंकि planet को भी green रखना जरूरी है, but कहीं ना कहीं enthusiasm जो है वो जाता जा रहा है, because of course, electric is the future, electric bikes जो है उनका future है, तो ये चीज़ तो है ही भाई। अब नई bikes में अच्छी bikes कौन सी मुझे लगती है, एक हो गई Triumph की Rocket 3 2500cc वाली जो आई है नई वाली, Yamaha VMAX मुझे मिल जाए, Yamaha VMAX is also one of my dream motorcycles, I really want that bike in my garage, फिर आपकी एक और मैं बताऊं तो Yamaha MT-01 एक आती थी, if I am not wrong, मेरे को उसका नाम प्रॉपर नहीं पता क्योंकि मैंने उस बाइक को ज्यादा बार देखा नहीं है, 3-4 बार इन पर्सन देखा है, बट लिटरली आई एम लाइक वो डाइंग फॉर दैट मोटरसाइकिल, वो भी बाइक अगर मुझे मिल जाए तो मैं रखूंगा, फिर हार्ली डेविडसन की अगर मैं बोलूं तो CVO एक मेरे को रखने का है, कोई सा भी मॉडल चलेगा, गोल्ड विंग मेरा बहुत अलग टाइप का टेस्ट है, बहुत अलग टाइप का, और नई वाली गोल्ड विंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुरानी वाली गोल्ड विंग की बात कर रहा हूं, दैट फ्लैट 6, अभी नई वाली मेरी फ्लैट 6 ही है, बट स्टिल वो सारी चीजें, अब आप एक एग्जाम्पल बताता हूं कि नई बाइक जो है उनसे मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि हेट है, बट मैं क्यों नहीं पसंद करता हूं, आप नई BMW M1000RR ले लो, मतलब इतना कुछ स्लैप कर दिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हर इंसान डेली ट्रैक पे नहीं जाता इंडिया में, नो नॉट एट ऑल, वी डोंट वांट ऑल दैट शिट, और इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें तो इवन द एक्सपीरियंस गाइस लाइक बहुत बड़े बड़े रेसर्स जो हैं वो भी इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि वी वॉन्ट ऑल दोज टेक्स ओनली ऑन द ट्रैक, रोड पर आप जब चला रहे हो तो आप एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए चला रहे हो अपने मोटरसाइकिल के साथ, और बहुत सारी चीजें जो वो चल रही होती है, इट्स ऑल अबाउट द ट्विस्ट ऑफ द रिस्ट, अब ट्विस्ट ऑफ द रिस्ट जिन लोगों ने नहीं देखा यूट्यूब पे जाके देखो भाई, बहुत काम की चीज है, तो ट्विस्ट ऑफ द रिस्ट का मैं यहाँ पर रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कंट्रोल योर मोटरसाइकिल फ्रॉम हेयर,
ये जो है ये फील, ये कनेक्शन जहां पर राइट बाय वायर आया और ये वाली सारी चीजें आई, ये गई। राइट बाय वायर जो है अपने लिए अच्छी चीज होगी, बट एंथुजियास्टिक लेवल से अगर उसे देखे, एंथुजियास्टिक विजन से अगर देखे, इट्स टोटली टोटली क्रैप फॉर मी, फॉर अ पर्सन लाइक मी। मुझे आप अगर चॉइस दो कि भाई फ्री में बाइक दे रहे हैं तो मैं डेटोना 675 चाहिए या CBR 600 RR चाहिए। पहली बार डेटोना 675, जो लोग मेरे पुराने दोस्त उनको पता होगा, व्हेन आई वाज इन 10th माय डैड वाज हैविंग द डेटोना 675 रेड, एंड वो जो सिल्वर कलर का जो आता था उस पर रैप वैप करा के रख रखा था विद एरो एग्जॉस्ट। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद, इवन आफ्टर माई डैड ओन्ड दैट मोटरसाइकिल, आई स्टिल चूज द CBR 600 RR बिकॉज फील एंड फीडबैक, द फील फ्रॉम द मोटरसाइकिल, द रॉनेस ऑफ द मोटरसाइकिल। और ये बात सही है, CBR 600 RR अच्छे से कॉम्पीट कर सकती है इन परफॉर्मेंस, इन टॉप स्पीड, इन ग्रंट, इन पुल, एवरीथिंग। मतलब रेड लाइन पता है CBR 600 RR की, बट स्टिल एक चीज है कि आजकल के लोगों को टेक ज्यादा पसंद आता है। भाई सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा मैं, ये 7 इंच के इन्फोटे, मतलब ये LED और ये एमोलेड, कल को तो कह देंगे एमोलेड पैनल डाल दिया, एमोलेड पैनल, LED लाइट्स, RGB, ये सब हमें लैपटॉप में चाहिए, बाइक्स में नहीं। खैर एनीवेज, जो इनोवेशन है उसको आप रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, बट स्टिल रॉनेस इज समवेयर गोइंग, और ये चीज मुझे पसंद नहीं आती। फिर वीमैक्स मैंने बताया, हार्ले डेविडसन की मैंने एक बाइक बताई, फिर मोटो गुजी की, अब जिन लोगों को पता होगा मोटो गुजी, उसका एक ओडेस आता है, मोटो गुजी ओडेस कैलिफोर्निया, वो बाइक भी मेरे लिस्ट में, बट मेरे को नहीं लगता वो बाइक मैं कभी ले पाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड द जेन्युइन अवेलेबिलिटी ऑफ द मोटरसाइकिल। कुछ लोगों ने इंपोर्ट कराई थी इंडिया में, मोटो गुजी इज नॉट ऑफिशियली हेयर इन इंडिया, और मोटो गुजी की बाइक जो होती है बड़ी बवाल होती है भाई, उनका जो इंजन लेआउट होता है, एक बार आप देखना, मैं पिक्चर से नहीं डालूंगा, मैं चाहता हूँ एक बार आप जाके देखो। और मोटो गुजी की बाइक जो है, ये R17 वगैरह, सॉरी R18 जो आई अभी, बहुत लोग उछल रहे हैं विदाउट इवन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ दैट मोटरसाइकिल। R90 के टाइम पे तो इतना कुछ हंगामा नहीं मचा था, वो भी तो एक बहुत अच्छी मोटरसाइकिल थी। R18 के टाइम पर इन लोगों ने ब्रांडिंग अच्छे से की, तो यहां पर देख रहे हो आप लोग कि इतना सब कुछ हो रहा है, बट सेम लेवल का जो मजा है ना मोटो गुजी की बाइक्स देती है, बट उनकी जो ब्रांडिंग है उतनी अच्छी नहीं है। द कंपनी इज समवेयर लाइक घोस्टली एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, इसलिए मतलब वहां, मतलब अपने कंट्री में ढंग से वो एडवर्टाइज नहीं कर पाते, यहाँ पे क्या एडवर्टाइज करेंगे। जो एकदम हार्ड कोर लेवल के एंथुजियास्ट लोग हैं उन्हीं को पता है इस बाइक के बारे में। उसके बाद एक बॉस हॉस करके मोटरसाइकिल आती है, जिसमें कॉर्वेट, सॉरी सॉरी कॉर्वेट कह रहा हूँ मैं, शेवलेट का कॉर्वेट में तो C8 इंजन आता है और C6 इंजन आता है, बहुत अलग कॉन्फिगरेशन होता है, कभी किसी और दिन बात करेंगे उस पर। उसमें शेवलेट का इंजन लगा होता है V8 V6, तो वो बाइक इंडिया में भी एक दो है, मैंने देखा है अपने आंखों से, इंडिया सॉरी दिल्ली में तो अपने आंखों से देखी है मैंने। बॉस हॉस की एक V8 वाली बाइक वहां पर है किसी के पास, मैं किसी एक मीट में गया था, शायद डिटेलिंग डेवल्स का कुछ था वहां पर, हबलेस वाली बाइक आई हुई थी, बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पे मैंने देखा था। तो वो बाइक फिर मेरे को एक ऐड करनी है। और भी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स है, यामाहा R6 ओल्डर वर्जन, यामाहा R1 ओल्डर वर्जन, बहुत सारी। और मैं सच बताऊं, मैं नई बाइक लूं इसके चांसेस बहुत कम है, इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं एकदम ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स बाइक लूं, ब्रांड न्यू सुपर बाइक लूं, इसके चांसेस बहुत कम है। और एक चीज और है, अपने रोड कंडीशंस की हालत देखते हुए सुपर बाइक अभी तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, बिकॉज आई एम स्टिल ग्रोइंग ऑन RC390, आई हैव मास्टर्ड इट समवेयर, आई वोंट से आई एम अ वेरी लाइक अमेजिंग और वेरी फिनोमिनल performing rider on road, but still I have somewhere mastered everything on that motorcycle and I want to sharpen those skills even further, मतलब और अच्छे तरीके से sharpen करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरा transition होगा proper वाला, वैसे bikes तो मैंने बहुत सारी चलाई है, लेकिन proper transition जब मेरा होगा कि मैं daily basis पे चलाऊँ या कुछ करूँ, तो मैं एकदम proper skill sets लेके transit करूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक 1010 racing है, 1010 रेसिंग एकेडमी, उन्होंने एक ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन, ऑफलाइन कह रहा हूँ, ऑनलाइन रेसिंग प्रोग्राम निकाला है, जिसमें आप ₹2000 में ट्रैक रेसिंग की बारे में चीजें सीख सकते हो, ट्रैक की जो है वो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आप जाके 1010 रेसिंग के ऊपर चेक कर सकते हो, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी अगर आप कहोगे तो मैं ला दूंगा, कैसे क्या क्या से करना है, कहाँ से करना है, 1 महीने का कोर्स है और आप जाके देख सकते हो उसको। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी उसको ट्राई करके देखूँ। 1 अक्टूबर इज द लास्ट डेट ऑफ एनरोलमेंट, ₹2000 की फीस है 1999 की, सो डू चेक इट आउट गाइज। और दिस वॉज द वीडियो अबाउट माई व्यूज ऑन मोटरसाइकिल्स, मैं किस टाइप की मोटरसाइकिल्स लाइक करता हूँ, मैं किस टाइप की मोटरसाइकिल्स आगे लूंगा।
होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, होप करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ एंटरटेनिंग, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस वीडियो में। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।